छत्तीसगढ़ में कर्मचारी संघ ने अपनी दो सूत्री मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है, जिसके चलते आम जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कर्मचारी अधिकारी संघ ने केंद्र के समान 34% महंगाई भत्ता और 7वें वेतनमान में गृह भत्ते की मांग की है। सरगुजा संभाग संयोजक कौशलेंद्र पांडे ने बताया कि प्रदेश के सभी जिलों में कर्मचारी अधिकारी संघ का अनिश्चितकालीन हड़ताल प्रदर्शन जारी है। उन्होंने आगे बताया कि राज्य सरकार ने केवल 6% महंगाई भत्ता बढ़ाया है, जबकि 34% महंगाई भत्ता की मांग की जा रही है। सूत्रीय मांग है केंद्र के समान 34% महंगाई भत्ता और 7वें वेतन में गृह भाड़ा भत्ता। हमारे साथ लगभग 88 संगठन है और आज के इस संगठन में राजपत्रीय अधिकारी संघ, वन कर्मचारी संघ, लिपिक वर्ग कर्मचारी संघ, छत्तीसगढ़ प्रदेश शिक्षक फेडरेशन, कर्मचारी कांग्रेस, लघु वेतन कर्मचारी संघ, ऐसे लगभग 88 संगठन, शिक्षक संघ, सभी संगठनों के माध्यम से हम एक बैनर के तले यहाँ पर एकत्रित होकर अपनी दो सूत्रीय मांग को लेकर हम आंदोलनरत। महंगाई भत्ता, केंद्र के समान महंगाई भत्ता और 1/1/2016 से 7वें वेतनमान में मकान भाड़ा भत्ता, ये दो मांग को लेकर आज पूरे प्रदेश के कर्मचारी सभी जिलों में, सभी तहसीलों में आज से हमारा अनिश्चितकालीन धरना प्रारंभ हुआ है।